नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में कि आखिर रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जो रिजल्ट होगा उससे पहले तो आप लोग का आंसर की आएगा, और सवाल ये है कि आंसर की कब आएगा। तो आंसर की आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये मार्च के मिड में ख़त्म हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 20 मार्च को अगर एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म होता है तो अप्रैल में आप लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मिड अप्रैल से 15 तारीख के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। 15 तारीख के बाद से ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो इस बीच में तो आपका इसी बीच में आपका आंसर की आ जाएगा। मतलब जो आपका आंसर की होगा वो हो सकता है कि अप्रैल अप्रैल में आपको फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है आंसर की, या फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको देखने को मिल सकता है आंसर की। अप्रैल में मुझे बहुत ज़्यादा चांस लगता है। अगर अप्रैल में नहीं आता है तो एक महीना और आगे चल जाइए। आंसर की तो वो बहुत जल्दी रेलवे रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि उनको आंसर की उनको मेंस का भी एग्ज़ाम लेना है, स्टेज टू का भी एग्ज़ाम लेना है। तो स्टेज टू का एग्ज़ाम अगर लेना है तो स्टेज टू का एग्ज़ाम मैं बता दूं कि आपका अगस्त में हो सकता है कि स्टेज टू का एग्ज़ाम शुरू हो जाए, क्योंकि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो आपका जून के आसपास, जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। तो अगस्त में बहुत ज़्यादा चांस है कि अगस्त या सितंबर मान के चलिए, अगस्त के लास्ट में सितंबर के फर्स्ट में आपका स्टेज टू का एग्ज़ाम हो सकता है। तो स्टेज टू का एग्ज़ाम है तो मैंने बता दिया कि उसके लिए भी कम समय बचा हुआ है। तो जो रिजल्ट आएगा आंसर की, तो मैंने बताया कि आंसर की आपका अप्रैल में देखने को मिल सकता है, अप्रैल में देखने को मिल सकता है, और जो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो जुलाई के मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो जुलाई में मान के चलिए कि एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा। आंसर की आपका अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो स्टेज टू का जो एग्जाम होगा वो सितंबर मान के चलिए कि सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था। मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये नहीं समझिए कि मैंने ऑफिशियल बताया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट मुझे आते थे कि सर बताइए कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैंने आप लोग को अपना प्रेडिक्शन बता दिया, और इसी के आसपास आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।